देखिए आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का नरेशन, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन, ठीक है। नरेशन की अगर बात करूं तो नरेशन कहते कैसे हैं, ठीक है। नरेशन का टॉपिक जो है आपका, देखिए हमें पूरी इंग्लिश ग्रामर की जानकारी हो रहा, जानकारी जितनी अधिक होगी उतनी हम कितनी भी एरर डिडक्शन आती हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नरेशन के अंतर्गत हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नरेशन की अगर बात करूं तो इसमें जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट और आपके इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट स्पीच इसमें आती है नरेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी आज के इस टॉपिक में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं कहूँ आपसे डायरेक्ट स्पीच कहते किसे हैं, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे डायरेक्ट स्पीच कहते किसे हैं तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता क्या, देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच की बात की जाए तो मतलब जब कोई बात वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के कहता है, ठीक है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं करता है, यानी कि जैसा हमने कहा कोई भी वक्ता उसे ऐसे ही कहता है तो क्या कहता है आपका, बिना किसी परिवर्तन के, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के क्या है आपका, जब कोई वक्ता यानी कि अभिव्यक्त करता कोई बात को उसे, जो जब कोई मैंने कहा जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे तो वह क्या कहलाता है आपका, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी, अब मैं कहूँ इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, अब बात करूँ यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच की, देखिए डायरेक्ट स्पीच का तो ये हो गया, उसी प्रकार मैं कहूँ आपसे इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच का क्या होता है, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में होता है जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन करता है, यानी कि कथन को अपने शब्दों में क्या करता है, वो परिवर्तन करता है, कहने का मतलब हो गया कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन करता है, ठीक है, अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन करता है तो वो क्या कहलाता है आपका, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। जैसे देखिए डायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करूं, मैं कहूं आपसे जैसे देखिए राम से आई वर्क हार्ड, ठीक है, जैसे मैं कहूं आपसे राम सेज आई वर्क हार्ड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कहा गया है तो यहाँ पे देखिए सेज क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ पे आई हार्ड वर्क क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। ये जो है सेज आपका यहाँ पर क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये वाला सेंटेंस क्या हो गया आपका, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच हो गया, क्या हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सेंटेंस इधर का रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो इधर क्या हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि राम से और आई वर्क हार्ड, यानी कि राम से कहा उसने हार्ड वर्क के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसे इनडायरेक्ट में इसे ही मैं कहूँ तो इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे, देखिए इनडायरेक्ट में जैसे राम से दैट ही वर्क हार्ड, ठीक है, मैं क्या कहूँगा आपसे यहाँ पर राम सेज दैट ही वर्क हार्ड। तो यहाँ पर देखिए कोई भी डायरेक्ट को जोड़ने के लिए इनडायरेक्ट से तो डैट का प्रयोग भी करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, छोटी सी गलती आ जाती है, डैट का प्रयोग भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, देखिए
अब मैं बात करता था असरेटिव सेंटेंस की, यानी कि कथनात्मक जो वाक्य होते हैं उनके बारे में, यानी असरेटिव सेंटेंस। असरेटिव सेंटेंस की अगर बात करूँ आपसे मैं, इसमें चेंज कैसे करते हैं, देखिए असरेटिव सेंटेंस की अगर बात करूँ आपसे, असरेटिव सेंटेंस, तो असरेटिव सेंटेंस देखिए होता क्या है, इसमें किस प्रकार हम चेंज करेंगे, तो इसमें करेंगे हम, जैसे मैं कहूँ आपसे डायरेक्ट स्पीच में कहूँ आपसे, डायरेक्ट स्पीच में क्या कहूँ आपसे, आई ही सेज ही सेज वर्क, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, तो इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको, तो इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, अगर बात करूं इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, कहेंगे हम ही सेज दैट ही, आई का क्या हो जाएगा आपका, ही हो जाएगा वर्क हार्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा वर्क हार्ड, तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा, ठीक है। देखिए असरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के कुछ क्या हैं, आपको नियम बता देता हूँ। देखिए अगर इसमें कहीं पर आपका, अगर इसकी बात करूँ मैं आपसे, कहीं पर इसमें अगर आपसे कोमा और या इन्वर्टेड कोमा को हटाएं, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोमा, ठीक है, कोमा क्या करेंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटाएं, ठीक है, कोमा को हटाएंगे इसमें पहले, कोमा को क्या करेंगे हटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कंजक्शन काय का प्रयोग करेंगे आपका, दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे इसमें, ठीक है, तो उसके बाद कंजक्शन क्या लगेगा इसमें आपका, दैट लगेगा, ठीक है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो ऐसे, तो इस प्रकार हम असरेटिव सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। फिर बाद में क्या करेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे, ठीक है, प्रोनाउन को नियम अनुसार चेंज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है, प्रोनाउन को परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए प्रोनाउन में जैसे हम क्या कहते हैं, देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नाउन नंबर, ठीक है, देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नाउन की अगर बात करूँ, यानी कि जिसे बोलते हैं हम, अगर कहीं पर देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो वहाँ पर क्या होता है आपका आई भी होता है, देखिए सब्जेक्ट की अगर बात करूँ, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, शब्द फर्स्ट पर्सन है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका आई क्या होगा, तो वहाँ पर होगा आपका आई भी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की बात करूँ, ऑब्जेक्ट में सेकंड पर्सन क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट में सेकंड पर्सन, तो वहाँ पर क्या होगा आपका यू होगा, ठीक है। और नाउन की, नाउन की बात करूँ तो वहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन क्या होगा आपका, थर्ड पर्सन क्या होगा, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन वहाँ पर हो सकता है आपका ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है या दे हो सकता है, ठीक है, तो ये हो सकता है थर्ड पर्सन में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए अगर कहीं पर सब्जेक्ट ही है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार क्या करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो आई का यहाँ पर देखिए आई जो है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर चेंज हुआ, आई का क्या हुआ यहाँ पर, ही हुआ, तो उसके अनुसार ही हम उसे चेंज करेंगे, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करें, देखिए से अगर बात करूँ, से या डेट को इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कहीं पर आपका, देखिए क्या होता है, अगर कहीं पर से या सैड
को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन से टू या टेल बना दें और सेट टू को टोल्ड बना देते हैं, ठीक है। देखिए कहीं पर अगर मैं बात करूं इसमें आगे, अगर मैं आगे बात करूं से या सैड है, क्या आपका से है या सैड है, तो से या सैड को इनडायरेक्ट इसमें ऐसे ही रहने देते हैं, क्या कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होते हैं ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन अगर कहीं पर अगर मैं बात करूं, लेकिन क्या हो कहीं पर आपका से टू हो, क्या हो से टू हो, तो टेल बना देंगे, क्या करेंगे हम इसको टेल बना देंगे। अगर आपका सेट टू हो, क्या हो सेड टू हो, तो क्या करेंगे उसको टोल्ड बना देंगे, क्या बना देंगे टोल्ड बना देंगे, ठीक है। तो आपको ये करना होता है, ठीक है। जैसे अगर टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इनके बाद टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है, इनके बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए टेल और टोल्ड के बाद काय का प्रयोग करते हैं, इनके बाद हम काय का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, काय का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कहीं पर अगर कोई सेंटेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके पैर इत्यादि नहीं बनते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं जिसमें कुछ चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर तो मैंने इसमें आपको बता दिया कि साधारण में इसमें करना क्या होता है, ठीक है, तो टेल या टोल सेट टू का टेल और सेट टू का टोल्ड होता है, ठीक है, तो इसके अनुसार हमें इसको चेंज करना होता है। और एक चीज़ बताऊँ, देखिए कहीं पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखें आगे, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर कहीं पर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर कहीं पर रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में हो, काय में हो प्रेजेंट या रिपोर्टिंग वर्ब काय में हो आपकी प्रेजेंट हो, फ्यूचर टेंस में हो या रिपोर्टिंग के टेंस में हो, अगर मैं बात करूं कहीं पर क्या हो रिपोर्टिंग वर्ब काय में हो आपकी प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हो या आपकी फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो क्या करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, टेंस में क्या होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, इसमें क्या करते हैं हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। अगर एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, क्या हो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो आपकी पास्ट में हो, तो क्या करेंगे, देखिए कहीं पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो आपकी पास्ट में हो, ठीक है, पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच क्या हो आपकी में हो, लेकिन क्या हो उसमें आपका कंडीशन क्या हो, लेकिन क्या हो रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ हो, क्या हो आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या एडियम हो, या एडियम्स हो, या आपकी पैरेज हो, ठीक है, या आपकी हैबिटफुल एक्शन हो, क्या हो आपका हैबिटफुल एक्शन हो, हैबिटफुल एक्शन हो, तो या आपका इन हिस्ट्रिकल फैक्ट हो, क्या हो आपका
या आपका हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें जो जो मैं लिख रहा हूँ आपको, हिस्टोरिकल फैक्ट हो। तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो क्या होगा आपका, हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है अपना, स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करता हूँ, देखिए अगर कहीं पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको कुछ क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच ईडियम या फेरेज हो, नहीं हो तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन किए जाते हैं, ठीक है, तो कुछ परिवर्तन इसमें किए जाते हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, ईडियम या फेरेज इत्यादि नहीं हो, ठीक है, ईडियम फेरेज नहीं हो तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन किए जा सकते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन इसके अनुसार आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ का मेन चीज़ का इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो लेकिन क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ idioms, फेरेज या हैबिटफुल एक्शन या हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बता दूं, देखिए अगर कहीं पर आपका क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो आपकी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट काय में हो, आपकी पास्ट में हो, काय में हो, पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच ईडियम या फेरेज, ठीक है, काय में हो, रिपोर्टेड स्पीच ईडियम या फेरेज हो, ईडियम या फेरेज नहीं हो, ठीक है, नहीं हो तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या करते हैं हम, तो रिपोर्टेड स्पीच में ठीक है, स्पीच में परिवर्तन किए जाते हैं, ठीक है, तो क्या इसमें परिवर्तन किए जाते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल्स की आपसे बात करूं, जैसे मैं कह दूं आपसे ही सैड आई केम हेयर यस्टरडे तो यहां पर देखिए चेंज कैसे करेंगे, अब मैंने कहा ही सैड, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगता है, उसके बाद आपका इन्वर्टेड कोमा लगता है, ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले कोमा लगता है तो पहले क्या करेंगे हम इन कोमा को हटाएंगे, सबसे पहले कंडीशन में क्या कहा था मैंने आपसे, देखिए ही का आपका ही सैड, ठीक है, तो सैड का सैड ही रहेगा, अगर सैड है तो सैड ही रहेगा, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या करेंगे हम, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और ही को मैंने, देखिए आई का मैंने क्या कहा था आपसे, आई का क्या हो जाएगा आपका, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ही का आई का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है, और कैम का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, ठीक है, कैम का क्या हो जाएगा आपका, ही हैड कम, ठीक है, कैम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ही हैड कम, कैम का क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद देयर द प्रीवियस डे
देयर द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, ठीक है। तो इसके अनुसार इसमें परिवर्तन कुछ हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का विशेष रूप से। तो नरेशन में आज का आपका टॉपिक में इतना ही रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटिव जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें आपके सारे करा दूंगा कि कौन सा कहां पर क्या चेंज करना होता है, ठीक है। नरेशन में है तो बहुत सारा आगे, लेकिन आपको उसकी बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं बेसिक जानकारी आपको अभी दे रहा हूँ, बाकी आपको सेंटेंस के अनुसार जब चेंज करेंगे तो उसमें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चेंज हम करेंगे जब सेंटेंस के अनुसार या टेंस के अनुसार, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर कहो तो मैं आपको करा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए जैसे सेंटेंस टेंस के अनुसार अगर चेंज करेंगे तो उसमें सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट का, देखिए तो इसमें जो चेंज होता है तो उसके अनुसार हम आगे करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।